हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम बहुत इजी तरीके से हैंड वैक्स करना शेयर करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट के हैंड बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह से हैंड वैक्सिंग करके अपने हैंड की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। हेयर के साथ साथ सन टैन और डेड स्किन को भी रिमूव कर सकते हैं और बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे क्लाइंट के पहले का हैंड है जो कि हेयर है उन पर और सन टैन भी है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम वैक्स करेंगे और फिर उसके लिए हमें स्टिक चाहिए और फिर हम रिका वैक्स यूज़ कर रहे हैं, मिल्क फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। और रिका वैक्स लिया और फिर आफ्टर और प्री वैक्स लिया और उसके बाद से हमें एक हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें थोड़ा हीट करना है। और इस तरह से देखिए हेयर दिखाई दे रहे हैं उनके हैंड पे। तो सबसे पहले हमें प्री वैक्स अप्लाई करना है और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देना है ताकि हम वैक्सिंग करें तो बहुत इजी तरीके से हो जाए। तो हमें रिका वैक्स यूज़ करने से पहले हमें प्री वैक्स ज़रूर यूज़ करना चाहिए और अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए। और उसके बाद से देख लेना है कि वैक्स कितना हीट हुआ, आप उसको उठा के चेक कीजिए। जब लिक्विड बन जाए फिर उसको अप्लाई कीजिए और बस पतले पतले स्ट्रिप वैक्स को अप्लाई करना है, चौड़ा नहीं लगाना है। जितना पतला आप वैक्स को लगाएंगे और एक बराबर लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका वो वैक्सिंग होगा। और बहुत बड़ी स्ट्रिप नहीं रखनी है, अगर लंबी स्ट्रिप है तो उसको छोटा कट कर लेना है और छोटे छोटे पार्ट में आपको वैक्सिंग करनी है। इससे बहुत अच्छे से हो जाता है और पेन भी बहुत कम होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे हैंड पे वैक्स को अप्लाई करेंगे और फिर वैक्स स्ट्रिप से उसको सेट करके निकाल देंगे। और वैक्स स्ट्रिप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ पुश करते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा रब नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। इससे स्किन में रेसेस पड़ सकते हैं तो बहुत ही कम करना है। बस लगाए, सेट किए और फिर झटके से खींच के निकाल दिए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रफ नहीं कर रहे हैं, बस उसको चिपका के निकाल देना है। तो इस तरह से हमें करना है और बैक साइड में जाके हाथ को थोड़ा सा टर्न कर लेना है और फिर वहाँ पे वैक्स को अप्लाई करके उसको छोटे छोटे पार्ट में करके निकालना है, बहुत ज़्यादा एक ही बार नहीं खींचना है। तो स्ट्रिप को छोटा रखना है और अलग अलग स्टेप में उसको निकालना है और उसको क्लीन करना है। इससे जो ब्लैकनेस होता है कम हो जाता है और जितना भी हमारा डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा और हैंड काफ़ी खूबसूरत दिखने लगता है। हैंड वैक्सिंग करने से हैंड की खूबसूरती तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में बहुत ही सारा बेनिफिट होता है। जैसे हैंड के स्किन पे जो भी सन टैन है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, डेड स्किन रिमूव हो जाता है और स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही शाइनिंग हो जाती है। तो हैंड हमारे काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। और बार बार अगर हम वैक्स अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे हेयर की ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाती है और जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हमारे हैंड पे हेयर होते हैं तो उसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है और स्किन फेयर होने के बावजूद भी हमें स्किन ब्लैक दिखाई देने लगती है। तो इसलिए हैंड वैक्सिंग कराते रहना चाहिए या फिर आप खुद कर सकते हैं, आप अपने हाथ से भी हैंड वैक्सिंग कर सकते हैं, लेग वैक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वैक्स करने के लिए सोचें तो उसके पहले आपको अपने स्किन टाइप को देख लेना है और स्किन टाइप के अनुसार ही आपको वैक्स का चुनाव करना है। या फिर आप अपना कर रहे हैं या फिर किसी और का कर रहे हैं, क्लाइंट का कर रहे हैं, तो भी आप ध्यान दीजिए कि उनकी स्किन कैसी है और स्किन टाइप का हमें वैक्स लेना है। और या फिर ऑल स्किन टाइप ले लीजिए तो उससे वो सारे स्किन पर अप्लाई हो जाएगा। और रिका वैक्स में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है कि वो वैक्स आपको एक जगह रिपीट नहीं करना है, दो बार तीन बार अप्लाई नहीं करना है। तो इसलिए ऐसे लगाना होता है कि आप बस एक इक्वल लगाइए, बराबर लगाइए और वैक्स स्ट्रिप को सेट कीजिए और खींच दीजिए और फिर नेक्स्ट दूसरे जगह से शुरू कीजिए और उससे मिक्स करके मिलाकर, ताकि हैंड अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाए और फिर
आपको एक जगह पर बार बार वैक्स अप्लाई करना ना पड़े। तो ये देखिए हम लोगों का हैंड वैक्सिंग हो गया और हम अब आफ्टर जेल से जो भी वैक्स का चिपचिपापन है उसको रिमूव कर रहे हैं और उसको लगा के थोड़ा सा हैंड को मसाज देंगे और फिर एक कॉटन के कपड़े से उसको साफ़ कर देंगे तो स्किन का चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा जो भी वैक्स हम लगाए थे। और अगर आपके पास आफ्टर लोशन नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी वैक्स का चिपचिपापन निकल जाता है और हैंड काफ़ी खूबसूरत और क्लीन हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि ये हो चुका है और दूसरा भी बाकी है। तो फिर हम लोग दूसरे हैंड पे भी सेम प्रोसेस से वैक्सिंग करेंगे और पहले प्री वैक्स लगाएंगे और उसके बाद से हम वैक्स को अप्लाई करेंगे। और वैक्स अप्लाई करते समय हमको वही चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत चौड़ा नहीं लगाना है, पतले पतले स्ट्रिप में लगाना है और फिर छोटा छोटा टुकड़ा काट के रखना है उसका वैक्स स्ट्रिप का, और छोटे छोटे पार्ट में हमको स्टेप बाय स्टेप वैक्स को रिमूव करना है एक साथ रख के, और बहुत तेज़ रब नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक से दो बार हल्के हाथों से रब करना है और झटके से खींच के निकालना है। और वैक्स को अप्लाई करेंगे तो सीधे डायरेक्शन में, हेयर के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और जब वैक्स पट्टी को रिमूव करेंगे खींचेंगे तो फिर उल्टे डायरेक्शन पे, और वो भी बहुत ही झटके से खींचना है। जितना स्लो आप खींचेंगे उतना ज़्यादा पेन होगा और बाल टूट भी सकते हैं। और झटके से जब आप वैक्स स्ट्रिप को निकालते हैं तो हेयर बहुत अच्छे से पूरा जड़ से निकल जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं, तो ग्रोथ काफ़ी लंबे समय के बाद आती है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हीट को भी ध्यान रखना है कि कितना हीट आपको रखना है वैक्स। वैक्स बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखना है, स्किन टाइप के अनुसार वैक्स की हीटिंग आप रख सकते हैं। और अप्लाई करते समय थोड़ा सा चेक करके लगाना है, बहुत ज़्यादा अगर हीट रहेगा तो आपकी स्किन जल सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। स्किन अगर सेंसिटिव है तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना है कि वैक्स थोड़ा भी हीट नहीं हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको वैक्स स्ट्रिप रख के बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, उसको प्रेस नहीं करना है। अगर ज़्यादा आप प्रेस कर देंगे, ज़्यादा रगड़ देंगे तो आपकी स्किन रेड हो सकती है या छिल सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। बस बहुत ही प्यार से वैक्स स्ट्रिप को चिपकाना है और फिर खींच देना है झटके के साथ। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग वैक्सिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा। और फिंगर पे भी अच्छी तरह से वैक्स को अप्लाई करना है, इससे किसी फिंगर के पास के स्किन थोड़ी सी ब्लैकनेस होती है तो वो सब अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो अच्छी तरह से करना, ये नहीं कि जहाँ यहाँ तो हेयर नहीं है तो हमें नहीं करना है, लेकिन स्किन जो है हमारी डेड स्किन हो चुकी है, ब्लैक हो चुका है वहाँ पर, उसको रिमूव करना है तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आ जाता है। और गर्मी के मौसम में अगर आप वैक्सिंग कर रहे हैं तो आपको स्किन को ठंडा करके करना है। अगर एसी है तो आप एसी में स्किन को ठंडा कीजिए, नहीं तो आप ठंडे पानी से हैंड को वॉश कीजिए या फिर बर्फ़ के टुकड़े को एक कपड़े में रखिए और पूरे हैंड पे, स्किन पे जहाँ पे आपको वैक्सिंग करनी है वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, उसको रन कर दीजिए ताकि वो चीज़ स्किन को ठंडा कर दे। और फिर आप वैक्स को जब अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से स्किन, हेयर और डेड स्किन रिमूव होंगे। तो इस तरह से आप लोग वैक्स को ट्राई कीजिएगा। और वैक्स होने के बाद से आप आफ्टर जेल से, आफ्टर लोशन से उसको रिमूव कर दीजिए उसका चिपचिपापन और उसको क्लीन कर लीजिए। और अगर आपके पास प्री वैक्स भी नहीं है तो फिर आप टेलकम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मॉइस्चराइजिंग को क्लीन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा हैंड वैक्स का वीडियो, और ये तरीका कैसा लगा? आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने हैंड को खूबसूरत बनाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं,
उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अलग यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।